हूँ अपने उद्बोधन में जरूर यहाँ पर बताए आएंगे वोट मांगने। वो गांव के लोगों से भी हम एक बात कहेंगे, वो भी पूछे कि आपने तेंदुलकर को क्यों कुछ क्यों नहीं दिया, सांसद निधि देने में भी क्यों इतनी कंजूसी की, आपको यहाँ से विधायक चुना, आपको दो बार सांसद चुना, आपने लोगों को इतना हल्का क्यों लेकर तेंदुलकर के आदमियों की, यहाँ के लोगों को हम कुछ नहीं देंगे फिर भी हमें वोट देंगे। वो दूर अंचलों में जहाँ पर उनका कोई वो नहीं है, ना कोई जानता था ना पहचानता था, वहाँ पर अपनी राशि देते हुए मैं तेंदुलकर के लोगों से कहूँगा, अब मांगना भी नहीं, वैसे अवसर नहीं है मांगने का, समय निकल गया। आप हमें बनाते हो, हमें अपने आप आपके गाड़ी काम करना चाहिए। आपने हमें विधायक बनाया, हमने पूरी ताकत से तेंदुलकर में काम कराने का प्रयास किया, चाहे महाविद्यालय हो, नगर पंचायत हो, SDM कार्यालय हो, SDUP कार्यालय हो, चाहे ककरा से पानी की हो, चाहे गाड़ावाड़ा से तेंदुलकर की सड़क हो, चाहे तेंदुलकर से डोबी हो कि फरमान की बड़ी सड़क हो, चाहे भामा से महंगवा की रोड हो, जितनी सड़कें यहाँ दिख रही हैं गाँव में, ये सारी सड़कें हम लोगों ने बनवाई हैं। इनमें सांसद जी का इसलिए नहीं कह सकते कि सांसद जी का दिल्ली का काम है, इनका काम था कि यहाँ पर भी बड़ा टेलीफोन का काम करा देते, जैसे पचौरी जी ने NTPC का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगवाया गाड़ावाड़ा में, पचौरी जी ने ट्रेनें चलवाई, पचौरी जी ने इस क्षेत्र की लगातार लड़ाई लड़ी। हम उनका नाम इसलिए यहाँ से ले रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते जनता की ओर से कि वो हमारे आशीर्वाद क्षेत्र बनाए रखे, उनने जो सौगातें दी है वो भूलने लायक नहीं है। माननीय पटवा जी मंत्री थे, उनने भी सेक्टर रिफॉर्म में पूरे मध्य प्रदेश में 3 जिले जुड़वाए थे, रायसेन, होशंगाबाद और नरसिंहपुर, ट्रेनें भी चलाई थी, उन्होंने जो काम बोला कभी कागज लिया वो काम मना नहीं किया, अगर लिया है तो काम हो जाएगा, टेलीफोन आ जाता है काम करने की।